हमने इस अध्याय के प्रारंभ में एक अभिक्रिया देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिसका रंग नीले रंग का होता है, यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड डाल देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वह रंगहीन हो जाता है। साथ ही साथ जो जिंक की रॉड होती है उस पर कॉपर की परत जमा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक धातु घुलकर ये विलयन में जा रही है और साथ ही साथ वह कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर देती है और स्वयं अब उसका स्थान ले लेती है और यहाँ पर जो विलयन है वह अब जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए इसका जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वह रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ जो विस्थापित कॉपर है वह जाकर जिंक की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है। वो इसलिए क्योंकि जो जिंक धातु है वह कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय होती है। इसी तरह से हमने एक और उदाहरण देखा था, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, जो कि रंगहीन होता है, यदि हम इस पे कॉपर की रॉड डालते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट का रंगहीन विलयन था वह धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ जो कॉपर की रॉड है उस पर सिल्वर यानी कि चांदी की परत जम जाती है। यहाँ पर भी वही विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए यह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर नाइट्रेट लवण में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है और स्वयं अब उसका स्थान ले लेती है और जो विस्थापित सिल्वर है वह जाकर कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये अभिक्रियाएँ विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं तो हैं, लेकिन क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी हैं? तो यहाँ पर भी हम देखें कि जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर जिंक अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जबकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वह अपनी प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा जो ऑक्सीजन है वह माइनस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं इसलिए कुल ऋणावेश यहाँ पर 8 हो जाएगा और चूँकि कॉपर प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है इसका मतलब यह है कि सल्फर यहाँ पर प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब यह जिंक धातु कॉपर धातु को वहाँ उसके लवण में से विस्थापित कर देती है तो यहाँ पर बन जाता है जिंक सल्फेट और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिंक प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा सल्फर यहाँ पर पुनः प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉपर धातु है वह अपनी तात्विक अवस्था में आ गई है और इसलिए यह यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा जो कॉपर है वह प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इसी तरह से हमने सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन देखा था वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो कॉपर है वह ऑक्सीकृत होती है और यहाँ पर यह कॉपर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में जाती है, जबकि सिल्वर यहाँ पर अपचयित होती है जो कि यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जाती है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में भी एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए यह जो अभिक्रिया है वह रेडॉक्स अभिक्रिया है और इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। इन विस्थापन अभिक्रियाओं का धातुकर्मी प्रक्रम में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो अयस्क में अपने भिन्न भिन्न यौगिकों में उपस्थित होती हैं और इन यौगिकों में से इन धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमें इसी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उपयोग करना होता है, जिसके फलस्वरूप हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। आइए इसी का कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यदि हमें कॉपर धातु को मुक्त अवस्था में प्राप्त करना है तो हम इसके यौगिक यानी कॉपर सल्फेट का विलयन ले सकते हैं और वहाँ पर हम जिंक रॉड का उपयोग करके कॉपर धातु को उसके यौगिक में से पृथक कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी यौगिकों को, जैसे कि हमें वेनेडियम धातु को प्राप्त करना है तो इसके लिए हम वेनेडियम पेंटोक्साइड का उपयोग करते हैं और उसमें कैल्शियम धातु की रॉड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेनेडियम की तुलना में जो कैल्शियम है अधिक सक्रिय होती है और इसलिए यह वेनेडियम ऑक्साइड में से वेनेडियम को मुक्त कर देती है और इस तरह से स्वयं कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर भी हम देखें कि जो वेनेडियम पेंटोक्साइड है जिसका सूत्र होता है V2O5, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल ऋणावेश यहाँ पर 10 है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चूंकि उसकी से जुड़े हुए हैं 2 वेनेडियम परमाणु, इसलिए प्रत्येक जो वेनेडियम परमाणु है वह अपनी +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर जो वेनेडियम है +5 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है क्योंकि वह तत्व के रूप में मुक्त हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम चूंकि तात्विक अवस्था में था और इसलिए यहाँ पर यह 0 ऑक्सीकरण अवस्था से ये यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि यह जो अभिक्रिया है वह भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें वेनेडियम पेंटोक्साइड से वेनेडियम धातु प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। टिटेनियम धातु को यदि हमें प्राप्त करना है तो हम इसके लिए टिटेनियम के साल्ट यानी कि टिटेनियम टेट्राक्लोराइड को लेते हैं और इसकी क्रिया जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो यहाँ पर हमें टिटेनियम धातु मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है तथा मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि टिटेनियम टेट्राक्लोराइड में, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होगी और चूंकि यहाँ पर क्लोरीन के 4 परमाणु हैं, इसके मतलब कुल आवेश जो होगा ऋण आवेश वह 4 होगा और यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो टिटेनियम है वह अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पर टिटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, इसलिए टिटेनियम का अपचयन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लोरीन है वह अपनी -माइनस ऑक्सीकरण अवस्था से उत्पाद में भी मैग्नीशियम क्लोराइड में भी यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है, यानी कि इसके ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम देखें जो मैग्नीशियम धातु है जो कि तात्विक अवस्था में है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यह परिवर्तित होकर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है। इसका मतलब मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया भी विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से यदि हमें क्रोमियम धातु को प्राप्त करना है तो क्रोमियम के ऑक्साइड की क्रिया हम उससे अधिक सक्रिय धातु एल्यूमिनियम से कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि एल्यूमिनियम क्रोमियम को उसके ऑक्साइड में से विस्थापित कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है। तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम धातु मुक्त हो जाती है जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो क्रोमियम ऑक्साइड में जिसका सूत्र है CrO3, यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा जो क्रोमियम है वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यहाँ पर जबकि क्रोमियम उत्पाद में CR यानी कि धातु में मुक्त हो रही है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह अपनी 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है जबकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वह अभिकारक में 0 ऑक्सीकरण अवस्था में थी, अपनी तात्विक अवस्था में थी, जबकि यह एल्यूमिनियम
ट्राइऑक्साइड Al2O3 में परिवर्तित हो रही है, जहां पर यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यहां पर क्रोमियम रिड्यूस हो रही है, अपचयित हो रही है, जबकि यहां पर एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यहां पर यह एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत हो रही है। तो इन भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा हम किसी कम सक्रिय धातु के लवण में से या कम सक्रिय धातु के ऑक्साइड में से उस धातु अधिक सक्रिय धातु की सहायता से उसे शुद्ध अवस्था में, तात्विक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसके अयस्क में से धातु को परिष्कृत कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर बार देखेंगे कि जो धातु हमने तात्विक अवस्था में ली है, जो ज़्यादा सक्रिय धातु है, उसकी अपचायक क्षमता जो अपचयित होने वाली धातु की तुलना में अधिक है, और इसीलिए यही कारण है कि ये जो अधिक सक्रिय धातु है जिसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा है, वह दूसरे कम सक्रिय धातु को जिसकी अपचायक क्षमता कम है उसमें से उसे पृथक कर पाती है। और यही कारण है, इसी सक्रियता का उपयोग करके हम इन धातुओं को, अधिक सक्रिय धातु या अधिक अपचायक क्षमता वाली धातु का उपयोग करके हम अयस्कों के या यौगिकों में से कोई कम सक्रिय धातु को मुक्त अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब हम जाते हैं अधातु विस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में। अधातु विस्थापन अभिक्रियाओं का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के द्वारा ही हमें महत्वपूर्ण गैसें जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आदि प्राप्त होती हैं, या इन अधातु विस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा इन गैसों को प्रयोगशाला में या औद्योगिक तौर पर बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि जितनी भी क्षारीय धातु होती हैं और कुछ क्षारीय मृदा धातुएँ भी, क्षारीय धातुओं में हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, साथ ही साथ कुछ क्षारीय मृदा धातुएं भी जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आदि, जब इनकी क्रिया जल से कराई जाती है तो ये जल में से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। यहाँ पर हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम धातु, जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर हम देखें कि जो धातु है उसके द्वारा अधातु यानी कि हाइड्रोजन गैस का विस्थापन किया गया है, और इसीलिए इसे हम अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर यदि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखें तो धातु यानी कि सोडियम यहाँ पर अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, साथ ही साथ यहाँ पर जल है, जल में ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और इन दोनों के योग के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम जानते हैं कि सोडियम यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा ऑक्सीजन यहाँ पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है वह अपनी तात्विक अवस्था में है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोडियम अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक धातु के द्वारा अधातु का विस्थापन किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है तथा साथ ही साथ यह रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि कैल्शियम की क्रिया
जो कि सोडियम की तुलना में कम सक्रिय धातु है, लेकिन कैल्शियम की क्रिया भी जब हम जल से कराते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर भी कैल्शियम अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होते हैं, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न उदाहरण ले सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो धातु है वह किसी अधातु को विस्थापित करती है, और इस अभिक्रिया के द्वारा हम देख रहे हैं कि हमें एक महत्वपूर्ण गैस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि चूंकि सोडियम कैल्शियम आदि सक्रिय धातुएँ हैं, इसलिए ये ठंडे जल शीतल जल के साथ भी क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कम सक्रिय धातुएं हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ या आयरन हुआ, ये शीतल जल से क्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनकी क्रिया भाप से कराई जाती है। जब ये भाप से क्रिया करती हैं तो इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ ही साथ जब आयरन की क्रिया यहाँ पर भाप से कराई जाती है तो आयरन अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में भी जब हम ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो धातु है वह शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था से यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जाती है, यानी कि इसका यहाँ पर अपचयन होता है। इसी तरह से जो आयरन है वह भी अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था से, क्योंकि यह इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है Fe2O3 में, तो यहाँ पर यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है, जबकि जो हाइड्रोजन है वह अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, और जिसके फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा भी और भी जो धातुएं हैं, जैसे कि कैडमियम हुआ या टिन हुआ, ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करती हैं ना तो ये भाप के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन ये अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और यह अभिक्रिया भी रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें कि बहुत सारी धातुएं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग प्रयोगशाला में भी हाइड्रोजन गैस के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसके लिए अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें हम HCl तनु HCl की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं, जिससे यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से मैग्नीशियम की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और इसी तरह से आयरन की क्रिया जब हम कराते हैं HCl के साथ तो यहाँ पर आयरन का क्लोराइड बनेगा, फेरस क्लोराइड FeCl2 बनता है तथा साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की क्षमता है, कितनी तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, यह इन धातुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है, या हम इन्हें कहें इन धातुओं की अपचायक क्षमता पर निर्भर करती है, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि अपचायक क्षमता से तात्पर्य है कि ये धातुएं कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर पाती हैं, तो इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। और हम जानते हैं कि यदि हम रिएक्टिविटी देखें, यदि हम जिंक
कॉपर और सिल्वर की रिएक्टिविटी की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जिंक धातु की इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर की उससे कम होती है तथा सिल्वर की उससे कम होती है। और इसी तरह से यही सक्रियता इनकी हाइड्रोजन रिलीज करने की क्षमता का निर्धारण भी करती है। और यही जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने की क्षमता यानी कि इनकी अपचायक क्षमता के आधार पर ही इन्हें अरेंज करते हुए हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि कुछ धातुएं जो अपनी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जैसे कि सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ या प्लैटिनम हुआ, ये बहुत ही कम सक्रिय धातुएं होती हैं और इसीलिए ये ठंडे जल या गर्म जल या फिर अम्लों के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। तो ये तो हुई धातुओं की सक्रियता की बात।